जिंदगी में कुछ बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जो कि मेरे अंदर बहुत कम है। अगर डिसिप्लिन होता तो व्लॉग में इतना लंबा गैप नहीं होता। तो इसी के साथ इस वाले व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जुले नमस्ते, कैसे हो आप लोग? करता हूँ कि सारे बढ़िया हो गया। मेरा नाम है संगी गल्पो और आप लोग देख रहे हो एलजीआर व्लॉग्स, बोले तो लद्दाख ड्रीम राइडर्स व्लॉग। तो आज है 2nd of March, टाइम हो रहा 1:35। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा चलते हैं पीछे। लास्ट वाला व्लॉग आप लोग ने देखा, हम लोग गए थे अमृतसर। खैर दोनों, जैसे मैं अभी अंदर रहा था ना, वीडियो बना रहा था, एक सरदार जी मिला। सरदार जी पूछ रहे थे ना चैनल का नाम क्या। आपका नाम? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह, कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ से आप? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे सर आप? मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बोला डिसिप्लिन की कमी है, तो इस वजह से ना एडिट हो नहीं पाया। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग आए थे शायद वापस, हाँ, तो चंडीगढ़ वापस आया था। फिर उसके नेक्स्ट डे गए थे दिल्ली, तो दिल्ली जाते समय किया नहीं व्लॉग वगैरह ना कुछ। तो दिल्ली पहुँचने के बाद दिल्ली में एक दिन किया शूट, हमारे ब्रदर्स अमचुक के साथ, अचो के साथ ना ऐसे घुमा एक दिन इधर उधर। अचो अमचुक झूले झूले, ये तो बड़ा शर्मिला वाला झूले बोल दिया। चलो फोन लाने में, चलो खरीद दिया। चलो डेढ़ डबल आ, चलो टूटते कवर। सर प्लीज ट्राई ना फिटिंग, सर ये फिटिंग रूम है यहाँ पर। तो उसके बाद हम लोग गए थे नेक्स्ट फरीदाबाद। फरीदाबाद में ना एक्चुअली वो था हमारा, क्या कहते हैं, रॉयल। किसी ने ना पूछा था कि ना कमेंट में व्हाट इज हियर इनकम, तो वो है मेरा बाइक्स वगैरह रेंट करता हूँ, मतलब रेंट पे देता हूँ लद्दाख में ना। तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से और लद्दाख बाइक यूनियन की तरफ से ना हमें मतलब एक ट्रेनिंग था। तो उसके बाद से ना व्लॉग भी किया। फिर उसको जैसे वापस आया ना, तो फ्रेंड्स मिला, तो मतलब दिल्ली में बैठा था कितना, 5-6 कितना मैं आगे। तो जो ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मेरे जो सिस्टर के सिस्टर है ना, तो उनकी बेटी है, तो वो यहाँ पर स्टडी करता, उनको यहाँ पर छोड़ने के लिए आया। मौसम भी ना अजीब है, जैसे रूम से निकल रहा था ना हल्का फुल्का बारिश हुआ। तो उसके बाद हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करके वापस से इतना अच्छा खासा दबा के हो रहा था बारिश। हाँ, ये नदी व्यू पॉइंट है ना, NADDI। हाँ, इसलिए भी ज़रूरी एजुकेशन, कहीं जा रहे हो। मैंने बोला कि नहीं बोला, याद नहीं रहे, डिसिप्लिन और ना एजुकेशन, मस्ट नीड इट। तो यही है कि देखो, लाइफ में इंजॉयमेंट, मस्ती, पार्टी, ये सब तो मतलब होते रहेगा, बट एजुकेशन एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत। मैं भूल गया मैं कहाँ पे था। हाँ, तो ये हो गया अपना ना फास्ट स्टॉप, और हमारे साथ है हाय ब्रदर नुबू, हाय माय सिस्टर डिजिटल लव एंड स्कल्दे अगेन। थोड़ा अभी एंग्री मोड में, जब शांत हो जाएगा तब बात करेंगे हम। गाड़ी शुरू से सुनती अच्छा में था ना, तो तू मेरे मेरे मिनिस कंप्लीट ताऊ ताऊ रखते हैं। हां, मैं किधर करते तू ना, तू अनिस तो जा सुख चंद जो जर, मगर क्या सुख चंद जो कंप्लीट हुआ था। चार मार बनाओ, तीन बनाओ, और एक ना ऐसा कॉमेंट रहता कि अपना आपका क्या कहते हैं, वीडियो देखने वाले ज्यादातर लद्दाख से, आप लद्दाख ही में क्यों नहीं करते। अब देखो, एक तो मैंने स्टार्ट तो मैंने एक सोच से किया था ना कि हिंदी में, वो फिर कभी बताऊंगा। आप जब कर ले तो एक जो मेरे को कम्फर्ट जोन लगता है मेरा ना, तो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग क्या सोच के, क्यों सोच के बोल रहे हैं मेरे गाड़ी ने। अब जैसे कि जो अपने मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तब तो मैं आपस में लद्दाख में बात कर रहा हूँ, नहीं कि मैं आपस में भी मतलब हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ, तू ब्लैक टिक जैसे आप लोगों ने देखा। हाँ, अभी मैं कर रहा हूँ लद्दाख में, जब आपस में बात करता हूँ तो लद्दाख में, जब नॉर्मल ऐसे कैमरे से बात करता हूँ तो। अभी मान लो मैं लद्दाख में करूँगा, मेरे को अजीब सा लगेगा, पता नहीं क्यों यार। तो ये अभी यहाँ ना थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, क्या ब्रेक लेंगे, क्या मैगी वैगी खाएंगे, फिर उसके बाद ना आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, मैं चाय पीने आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आओ ना आओ। और हमारा भाई साहब हमें घुमा रहा है। आपका नाम? श्यामलाल। श्यामलाल, ये हम ना ऐसे रास्ते से भी आ रहे थे, नीचे जब बारिश हो रहा था तो ऐसे मिल गया। बारिश कितना खतरनाक हो रहा था ना, बहुत जैसे आपने पहले बोला था कि ना आधे समय ऊपर ज्यादा भी हो सकते हो, कम भी हो सकते, बर्फ भी पड़ सकता है इधर अभी।
क्या कहते हैं अभी जो पढ़ रहा था ना, लगा कि मेरे सिरा रुके थे, जो मतलब बर्फ, मतलब प्रॉपर बर्फ नहीं, वो बर्फ की तरह जो गिर रहा था ना, क्या कहते हैं उसे, ओला वृष्टि, ओला बोलते हैं, ओला हिंदी में होता है कि इंग्लिश में, मतलब हिंदी में है, हां ओला वाह, इंग्लिश का पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं है, अपना हिंदी आना चाहिए, ओला बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में, हां हमारे यहां पे सिरारू बोलते हैं ना, वो बर्फ वो तो लगेगा ना जोर से, ऊपर से लगेगा, नुबू चाय कौन सा पियोगे आप? ब्लैक की दूध वाला कौन सा? नहीं बोलो ना, जो आप पीते हो तो बोलो। A few inches later, time was 2:16 और हम लोग पहुंचे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, और अपना नेक्स्ट स्टॉप है डल लेक, कश्मीर वाला नहीं हिमाचल वाला, धर्मशाला मैक्लोडगंज वाला, आस पास तो मतलब क्या हरियाली है ही है, ये तो लेक भी हरियाली है, हरियाली हरा नीला, हाँ लेक भी हरियाली है, और देखो उसका कल पता नहीं क्या ढूंढ रहे, थोंग दो बेटा ये उल्टा है, देख रहे हो बताए, सीधा देखना सीखो पहले, हले पर कुछ दूंगा मस्त है, मस्त है, हद बोल रहे हैं, थोड़ा दूरबीन से क्या देखने बोल रहे, वो वाले पेड़ पे ना एप्पल लगाए, फोटो ले रहे, थैंक यू सो मच, शिवोल ने कहा कि भारत में गरीबों को खाद्य वितरण के लिए अनाज की खरीद बिना किसी बात पर की जारी रहेगी। खैर तो हम पहुंच गए अपने थर्ड स्टॉप पे धर्मशाला मैंगलोर, चार्ज करना नाम बड़ा मुश्किल है, व्यू क्या बढ़िया है ना, मेरे को तो यहाँ पे क्या कहते हैं पूरा मूवी वूवी बोला ना फील आ रहा है, जैसे मूवीज में ना बहुत दिक्कत है ना चर्च वगैरह, इसलिए ये हम पहुंच गए अपने फोर्थ स्टॉप पे, अभी हम जा रहे हैं बक्सुनाथ, मेरे को अभी पता चला कि ना हाँ बक्सुनाथ ना आगे मतलब टेंपल है बोल रहे हैं, यस, तो जैसे कि मैंने कहा कि ना मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो यहाँ पे इस वाले जगह पे तो आना, यहाँ पे आगे एक स्विमिंग पूल है, फिर वहाँ आगे जगह वाटरफॉल है, अभी आप लोगों ने पता नहीं देखने में क्या कैसा लगा और कैसा फील हुआ, लेकिन जो चार्ज वाला वो था ना क्या कहते व्यू, मतलब जिससे पिक्चर विक्चर नहीं देते मेरे को ना देख के मजा आ गया सच में, भाई यहाँ पे ना मौसम को तो कुछ कुछ भरोसा नहीं, जैसे सुबह निकलते इसमें हल्का बारिश होता है, उसके बाद ना दबा गया बारिश, उसके बाद बारिश बंद हुआ, अभी फिर हो रहा है बारिश, आप निकलेंगे अपना छाता ओवे टू वाटरफॉल एंड मार्केट, ओह ओह यहाँ से देख रहे नज़ारा दूर से, अभी ना वाटरफॉल की तरफ आते समय मैंने पीछे देखा नहीं, तो मैं आगे आ गया तो पीछे देखा तो पीछे था नहीं वो लोग ना, तो मैंने कॉल किया भाई को ना नुबू को, बोल रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है,
अभी सेट आते समय ना ज़्यादा स्टीप वगैरह तो था नहीं, हल्का फुल्का स्टीप था और ना कितना 10-20 सीढ़ियाँ चढ़ा हुआ ज़्यादा ज़्यादा। ये होता है कुछ एक्टिविटीज़ ना करने का नतीजा, हाँफने लग रहा है अभी से। पता नहीं किसी दिन कभी ट्रैक पे जाएगा तो फिर क्या हालात होगा, इसीलिए ना क्या कहते स्पोर्ट्स वाला एक्टिविटीज़ या भाग दौड़ वाला। तो ना अभी बोलते बोलते आपने ना क्या कहते गोप्रो का बैटरी जो ख़त्म है, तो मैंने बैटरी किया एक्सचेंज, तो वहीं बोल रहा था कि ना एक्टिविटीज़ ज़रूरी है। यस, मैं तो नीचे वाटरफॉल की तरफ जा चुका ना, तो थोड़ा अभी यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और बाकी लोग गए नीचे वाटरफॉल की तरफ। भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा भाई। मैं देख रहा यहाँ पे कितना दूर बैठ के दिखा रहा हूँ, मेरे को ना हाइट से फटता है मेरे, इसलिए ना दूर दूर से ज़्यादा ना मज़ा लेने के चक्कर में मेरे को अभी मेरे ना छाता पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, शायद से उधर से आते समय तो मैं लेके आया, अभी ना देखना पड़ेगा कैसे लवर इसकी तरफ पड़ा हुआ इधर। तो ना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप लग रहा होगा, मतलब ना इससे पहले यहाँ इसमें ना तीन मोड होता है, मोड मतलब कि जो एंगल होता है ना, एक होता है लीनियर, एक होता है वाइड, एक होता है सुपर व्यू। तो बार बार चेंज करना ना भूल जाता हूँ, तो अभी मैंने ये किया हुआ है सुपर व्यू पे, वो तो मतलब एंगल ना बड़ा देखेगा, तो जब ऐसे थोड़ा पतले रोड पर ऐसे जाते हुए जब नीचे घाय वगैरह होता है ना, तो शायद ऐसा मुझे लगा कि ना सुपर व्यू में थोड़ा अच्छा बढ़िया देखेगा, मतलब क्या थोड़ा हाँ डरावनी टाइप। आज तो ना अपने साथ मौसम भी ना फुल मज़ा ले रहा है, अभी ना काउंट भी नहीं है जब से बाहर निकला ना तब से, कितने बार इतने बार धूप निकला, कितने बार बारिश हुआ, अभी ना हो रहा है फिर से ना हल्का हल्का। तो अभी जब मैंने अभी जो सुपर व्यू वाला थोड़ा शूट करके देखा ना, तो बढ़िया लगा, आप लोग भी ना कॉमेंट करके बताना, अभी ये भी ना सुपर व्यू पे ही चल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ चल रहा है, इस साइड से, इस साइड से। हेलो 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 हेलो, तो ये इंजॉय करने वाले सारे ना, लगाओ ना भैया डुबकी। ओ ओ ये जोश, ये होता है जोश। कैसा भाई ठंड नहीं है? ठंडी मारती है। सही बात है। अच्छा थैंक यू, ठीक है भाई। ओके जी, कल भी चाहिए भाई। ओके जी, जय हम पहुंच गए हैं मॉनेस्ट्री। तो ना अभी मतलब ऐसे बाहर आते आते ना मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया आप लोग के लिए ऑब्वियसली। तो ना मॉनेस्ट्री और टेम्पल में ना, मॉनेस्ट्री अभी टेम्पल भी लिखा था, टेम्पल लिखा था ना यहाँ पे, और मॉनेस्ट्री भी तो कहते हैं ना, मॉनेस्ट्री और टेम्पल में ना डिफरेंस क्या है? आप लोग में से अगर कोई हो तो प्लीज़ हाँ कॉमेंट्स करना ज़रूर। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से ना मार्केट, अल्टो जो अपना वो था टैक्सी वो तो भेज दिया वापस, वो बोल जैसे कि मैंने बोला ना कि चार घंटे के बाद ना अगर वेट करना पड़ेगा, तो बोल रहा था कि ना घंटे का मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है, अभी तक जितना उन्होंने पॉइंट्स पे ले गया ना उसका मतलब टोटल ले गया था 1500। खैर तो ना अभी मार्केट से आते आते थोड़ा शॉपिंग भी कर ली, और ना अभी वो यहाँ पे वो दिखा था मैं क्या कहते वो जो स्काई वो नहीं था रॉप, स्काई रॉप बोल रहा हूँ। सो ये यहाँ पे धर्मशाला स्काई वे, शायद इसी का नाम होगा ना, स्काई वे कहते होंगे, स्काई वे माई वे या स्काई स्काईवे। तो यहाँ से ना जा रहा है ये वाला नीचे धर्मशाला की तरफ, सब फिर से जादू बन रहा है जादू। कल देखा तो मस्त ऐसे बारिश में भी ना सोर, अभी हम लोग आ गए नीचे वापस वहाँ पे ना, पहले तो प्लानिंग किया मतलब सोचते कि ना लंच वंच कुछ करूँगा, बट लंच वंच कुछ किया नहीं, तो स्काई क्या स्काई वे है ना उसमें आने वाला था, फिर तो मतलब सिस्टर बोल रही सिस्टर नहीं जाएगा ना, फिर हम भी नहीं आए, तो आ गए वापस, अभी हम जा रहे हैं रूम। तो इसी के इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर देना, तो जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।